बांग्लादेश के एक विकेटकीपर बल्लेबाज मुशफिकुर रहीम ने जिम्बाब्वे के साथ खेलते हुए एक नया इतिहास रच दिया। बता दें कि इस टेस्ट मैच की पहली पारी में रहीम ने 219 रन की पारी खेली। रहीम के साथ साथ मोमिनुल हक ने भी 161 रन बनाए। इन दोनों की पारियों की बदौलत बांग्लादेश ने अपनी पहली पारी 522 7 विकेट पर घोषित कर दी। अपनी इस पारी के दौरान मुशफिकुर रहीम ने एक विश्व रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया। उन्होंने एक ऐसा काम कर दिया जो दुनिया भर में कोई भी विकेटकीपर बल्लेबाज नहीं कर सका था। मुशफिकुर के अलावा दुनिया के किसी भी विकेटकीपर ने एक से ज़्यादा दोहरे शतक नहीं लगाए हैं। अब तक दुनिया भर में सिर्फ 7 विकेटकीपर बल्लेबाजों ने एक एक दोहरा शतक लगाया है, लेकिन किसी ने भी एक से ज़्यादा दोहरे शतक नहीं लगाए थे। मुशफिकुर रहीम ने दूसरे टेस्ट मैच की पहली पारी में 219 रन की पारी खेली। ए रहीम के टेस्ट करियर का दूसरा दोहरा शतक भी रहा। रहीम इससे पहले श्रीलंका के खिलाफ भी एक दोहरा शतक जमा चुके हैं। रहीम ने इस पारी के दौरान 421 गेंदों का सामना करते हुए 18 चौके और एक शानदार छक्का भी जड़ा। इस पारी की बदौलत ही रहीम बांग्लादेश के लिए टेस्ट क्रिकेट की एक पारी में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी बन गए। रहीम से पहले रिकॉर्ड साकिब अल हसन के नाम था। हसन ने 2017 में न्यूजीलैंड के खिलाफ 217 रन की धुआंधार पारी खेली थी। नेक्स्ट 9 स्पोर्ट्स से वरुण की रिपोर्ट।